एक और ठंडी सुबह मोक्ष की धरती बनारस में। सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम बनारस एंड अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और हम जा रहे हैं 80 घाट मॉर्निंग की आरती पकड़ने। तो देखते हैं हम टाइम से पहुंच रहे हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत लेट हो जाएंगे, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज मेरी सुबह अंधेरे में हुई है और मुझे आज का दिन 80 घाट की गंगा आरती के अंदाज में जीना है। गाइस पहुंच गए हैं हम 80 घाट। चलिए अब अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 80 घाट पे हम राइट टाइम पे आ गए हैं। मुझे लगता है टाइम से थोड़ा पहले ही है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू बी अर्ली। हम सब लोग आरती का आनंद उठाएंगे आज 80 घाट से, मॉर्निंग 4:30। ये तांबे का कलश देख रहे हैं आप, अभी इसको डेकोरेट किया जाएगा फूलों से और ये हमारी आरती में बहुत मेन रोल प्ले करता है। यहाँ से 80 नदी निकलती थी और 7 किलोमीटर पर है वरुणा घाट, तो वरुणा और 80 को मिलाकर हुआ था वाराणसी। यहाँ पर पहले पूजा आरती होगी, फिर नैया पर सवार होकर हम चलेंगे न्यू कॉरिडोर के दर्शन करने और वहां से गुजरते हुए शिव शंभू के दर्शन करने काशी विश्वनाथ मंदिर में। जैसा कि हमें मालूम है कि यहां पर 80 घाट हैं, तो ये वाला घाट सबसे लास्ट आता है 80 घाट। मस अच्छी है, चलो मैं भी टेस्ट करती हूँ। प्लेटफॉर्म है, जगह ऊंचा टाइप। हाँ हाँ उस पे बैठिए, एक और दे दो आप लेमन टी। लेमन टी यहाँ का बहुत फेमस है बनारस का, हमें लेमन टी पीते हैं एंड फिर आरती का मजा लेते हैं। गाइस मात्र 10 रुपए के लेमन टी कप से आपकी इंद्रियां बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगी। मैं लेमन टी जरूर ट्राई करिएगा, इट इज सो मस्त। एंड ठंडी की सुबह में घाट के नज़ारे में तो इसके क्या ही कहने हैं। कलश की तैयारी हो रही है गाइस यार, बिफोर आरती। ये देखिए कितना सुंदर, कितना भव्य इन्होंने कलश रेडी किया है आरती के लिए, सवेरा आरती के लिए। 80 घाट पर हैं हम लोग एंड इट्स लाइक 5:20। गंगा नदी के किनारे बसी इस नगरी पर गंगा संस्कृति तथा काशी विश्वनाथ मंदिर का भी रंग चढ़ा हुआ दिखता है। काशी के आदरणीय कुल में सुबह बनारस का यह अभिनव और अखंड स्थान। इस शहर ने सैकड़ों वर्षों से भारतीय कल्चर एंड ट्रेडिशन को संजोकर उत्तर भारत का प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बना हुआ है। यहाँ के प्रमुख पंडित जी, सात पुजारी रोज की तरह रेशमी लिबास पहने हुए और श्रद्धा से अपने स्थान चौकी पर आते हैं और आरती शुरू करते हैं। अक्सर रोज कोई ना कोई वीआईपी जरूर होते हैं आरती के समय में। यहाँ अंधेरे में तांबे के कटोरे में कपूर और आरती की लौ में शेषनाग का फन बहुत शाइन करता हुआ दिखाई देता है। जितनी इम्पोर्टेंस सुबह की आरती का है, उतनी ही संध्या गंगा आरती का भी है। फ्रेंड्स इस लॉ से चारों दिशाओं में दीपक से आरती करते हुए पुजारी जी सुबह की आरती संपन्न करते हैं। हमारे ग्रेट ऑथर तुलसीदास जी, जब उन्होंने रामायण लिखा था तो वो भी वाराणसी में ही लिखा था और यहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए रुके थे। और फ्रेंड्स शिवरात्रि के दिन तो बनारस देखने लायक ही होता है। जैसे सुबह की गंगा आरती संपन्न करके सारे पुजारी गंगा की तरफ जाते हैं उनको नमस्कार करने। बोट राइड तो बनता ही है यहाँ पर अपनी रिवर गंगा पर। मेक इट इन द टाइम फॉर सनराइज और स्टे फॉर द सनसेट, बट डोंट फॉरगेट टू स्पेंड टाइम ऑन द रिवर। अब हम चले बोट राइड पर और यहाँ पर हम लुत्फ उठाएंगे कोहरे के बीच इन सुंदर खूबसूरत घाटों का। ये नज़ारे आपका मन ही मोह लेते हैं।
इस दीपक की लौ के साथ मेरी मदर ने भी शिव शंभू का शुक्रिया अदा किया और इसको माँ गंगे में प्रवाहित कर दिया। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है फ्रेंड्स। यह नगरी कवि, लेखक, भारतीय दार्शनिक तथा संगीतकारों आदि की जननी के रूप में भी जानी जाती है। पत्थरों के ऊंची सीढ़ियों से घाटों का नजारा, मंदिर के घंटों से निकलती ध्वनि, गंगा घाट पर चमकती वो सूरज की किरणें तथा मंदिरों में होने वाले मंत्रों के उच्चारण से इंसान को न चाहते हुए भी भक्ति के सागर में गोते लगाने पर मजबूर कर दिया जाता है। असल में वाराणसी कला और शिल्प का केंद्र होने के साथ साथ एक ऐसा स्थान भी है जहां मन को शांति तथा परम आनंद की अनुभूति भी होती है। उत्तर प्रदेश में बसने वाला यह शहर काशी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे बसी इस नगरी पर गंगा संस्कृति तथा काशी विश्वनाथ मंदिर का भी रंग चढ़ा हुआ दिखता है। जब आप अपने हाथों से इन पक्षियों को, सीगल्स को फीड करते हैं तो उससे खूबसूरत मंजर आप नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। ये सब आपके आगे पीछे मंडराती हैं और अपनी अपनी स्टोरीज कहते हुए मानिए जैसे आपको थैंक्स कह रही हूँ इन्हें फीड करने के लिए। मेरा और मेरी मदर का ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स, जिसे हम कभी भी नहीं भूलना चाहेंगे और ना भूल पाएंगे। ये है मणिकर्णिका घाट, जिसे मोक्ष का घाट भी कहा जाता है, और इसको क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंचे न्यू कॉरिडोर की तरफ, काशी विश्वनाथ टेंपल। हमारा बोट फेयर था 100 पर पर्सन ओनली। कैसे लगा रहा है माता जी? बहुत सुंदर। क्या दिखाओ जरा, सुंदर सुंदर मुखड़ा दिखाओ। अब हम चल रहे हैं न्यू कॉरिडोर की तरफ फ्रेंड्स, सो स्टे ट्यून, आपको आज दर्शन कराऊंगी। वैसे तो मंदिर के अंदर अलाउड है नहीं फोन, लेकिन बाहर से जितना हो पाएगा मैं आपको दिखाऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड। अब हम लोग चढ़ चुके हैं स्टेयर केस पर, जो कि जा रहा है ये काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड द न्यू कॉरिडोर। सो मैं आपको दर्शन कराती हूँ न्यू कॉरिडोर के। देखिए मेरी मम्मा, वो इतनी हिम्मत कर रही हैं, इतनी सारी स्टेयर्स हैं चढ़ने के लिए। बट जय भोलेनाथ जी की जय, शिव शंभू। ये अमेजिंग सीनरी किसी ऑयल पेंटिंग से कम नहीं है फ्रेंड्स, आई बेट यू। न्यू कॉरिडोर के एंट्रेंस पर कोई चेकिंग नहीं है, बट यस सिक्योरिटी बहुत टाइट है। ये देखिए महाकालेश्वर भवन, न्यू कॉरिडोर का एंट्रेंस पे आपको ये मिलेंगे। कार्तिकेय संकुल, ये आई थिंक लाइब्रेरी होगी, व्यूइंग गैलरी भी है यहाँ पर, गंगा दर्शन, आप यहाँ पे लॉकर की सुविधा भी मुझे यहीं लग रही है ना। हाँ देखते हैं। कॉरिडोर का नज़ारा कुछ ऐसा मिलेगा आपको जब आप आएंगे यहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। ये एंट्रेंस है जहाँ से हमने अभी एंट्री की है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, लेकिन दे आर वेरी हेल्पफुल, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी जब मैंने क्वेरीज पुट की। वो वहाँ पर व्यूइंग गैलरी एंड आपका लॉकर सुविधा भी वहीं मिलेगी, फ़ोन एंड आपका सब कुछ आपको वहीं डिपॉजिट करना है, सिर्फ आप अंदर मनी कैरी कर सकते हैं, ऐसा हमें वहाँ पर एक पुलिसमैन ने इन्फॉर्मेशन दी है। ये है अहिल्या बाई का स्टैचू और इन्होंने भी काशी विश्वनाथ टेम्पल की एक बार फिर स्थापना कराई थी। ये यहाँ पे डायरेक्शंस हैं कॉरिडोर में जाने के लिए। फ्रेंड्स, इस कंपाउंड में लॉकर की भी आपको मिलेगी फैसिलिटी। वहां पर आपको आइटम्स जैसे कि कॉस्मेटिक्स, पावर बैंक, ये सब डिपॉजिट कराना होता है, और इसके बाद सिक्योरिटी के नेक्स्ट लेवल पर आपको फोन डिपॉजिट करने होते हैं अपने। खास बात यह है कि 13 दिसंबर 2021 को हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी ने वाराणसी में वाराणसी कॉरिडोर का उद्घाटन किया। देखिए फ्रेंड्स,
उस गेट से हमको एंट्री लेनी है, वहाँ है काशी विश्वनाथ का टेंपल, लेकिन आप कैमरा बिल्कुल नहीं ले जा सकते हैं, सो मैं आपको यहीं से दर्शन करा रही हूँ, यहीं से आपको ब्लेसिंग्स एंड आशीर्वाद भगवान जी का मैं आपको पहुँचा रही हूँ। हर हर महादेव। इन श्रीमान के पास लॉकर फैसिलिटी भी थी और हमने प्रसाद भी इन्हीं से लिया। इस प्रसाद की बास्केट में और दो मंदिरों का प्रसाद भी था जो काशी विश्वनाथ टेम्पल के ही आसपास हैं। फोन्स आपको इस सिक्योरिटी लेवल तक ही अलाउड हैं। 8 नंबर 1 से हमने एंट्री की है इस न्यू कॉरिडोर में, आप देख सकते हैं। और ये देखिए वो जो आपको गोल्डन दिख रहा है, वो जो पीक दिख रहा है, दैट इज काशी विश्वनाथ जी। भोले शंकर के दर्शन हमें उसी मंदिर में जाकर करने हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरी मदर, मम्मा ने प्रसाद ले लिया है अपने मन के मुताबिक, एंड ये पूरा कॉरिडोर है, देख सकते हैं आप। ये एंट्री है गेट नंबर 1 जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। ये एंट्री के लिए भीड़ कितनी है, सो जल्दी से हम लोग जाके लाइन में लगते हैं और मैं मम्मी को दर्शन करा के लाती हूँ और आप सभी के लिए मैं मनोकामना करूँगी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ जी। और ये मेरी माता श्री चली दर्शन की लाइन में लगने, तो हम जा रहे हैं लाइन में लगने गाइस, और मैं आप सभी के लिए मनोकामना करूंगी, और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बाय बाय। और यहाँ खूबसूरत दर्शनों के बाद मैंने अपना फोन लॉकर से वापस ले लिया। तो गाइस फाइनली हम दर्शन करके आ गए हैं, मैं और मम्मी, देख सकते हैं आप इनके चेहरे की खुशी। और अब हम बैठे हैं ठंडी ठंडी लस्सी पीने के लिए, क्योंकि थोड़ा टायर्डनेस हो गया एंड थोड़ी गर्मी तो है ही डे टाइम की। सो यहाँ पे हम बैठे हैं बनारस की छोटी छोटी ऑथेंटिक ओरिजिनल गलियों में, जहाँ से टेंपल का रास्ता होता है, एंड ये लस्सी हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर, एंड बहुत सारी प्रसाद सामग्री सब यहीं मिलता है। सो ये बिल्कुल प्राचीन एंड ओरिजिनल वाली जो गलियाँ थी, ये है बनारस की, जो काशी विश्वनाथ को जाके एकदम जोड़ती है। सो अभी तो कॉरिडोर बन गया है, इसीलिए हमें घूम के जाना पड़ता है, थोड़ी सिक्योरिटी चेक्स भी हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, लेकिन पहले यही था, ऐसे पूरा यहाँ से जाते थे पैसेज से एंड स्ट्रेट अवे इन द मार्केट। सो अभी लस्सी पीते हैं ठंडी ठंडी और उसके बाद बात करें। सो ये देखिए भैया लस्सी बना रहे हैं यहाँ पर, एंड ये पूरा ये है पूरी ओरिजिनल गली। जब आप एक जबरदस्त भीड़ में से शिव शंभू के दर्शन करके आते हैं, सो मानिए उस जैसा सुकून कोई होता ही नहीं है। और ये लस्सी हमें ट्रॉफी के रूप में मिली थी। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। हाँ बिल्कुल जी, बाहर से लोग आ रहे थे हम निकल रहे घूमने के लिए। हाँ राइट, दर्शन करने के लिए। हाँ जी, लोग गंगा आरती देखे, घाट घूम सकते, इनको अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, और इकोनॉमी पे भी असर पड़ रहा है ना यहाँ की, इकोनॉमी बढ़ गया है, वो बढ़ गया है। हाँ राइट, टूरिस्ट बढ़ गया तो इकोनॉमी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो भैया आपका गुड नेम? धीरज यादव। तो आप यहाँ आए बनारस तो इनके हाथ की लस्सी जरूर पीजिएगा, मैं रिकमेंड करूंगी। और इस प्राचीन विश्वनाथ गली से होते हुए हम अपने होम स्टे पहुंचे। एंडिंग माई डे हियर, सी यू ऑल सून फ्रॉम बनारस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लव्ड माई वीडियो।